हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है सुबह के गरम गरम गुनगुने से पानी के साथ और मेरी न्यू किचन में। क्योंकि अब आप लोग तो हमें अभी जब तक मैं मतलब मुझे भी नहीं पता, पर मुझे आप लोग इसी किचन में देखोगे। मैं इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि है ना उस किचन को लेकर, तो वही है ना मेरे दिमाग में चल रहा था किचन को लेकर कि आप लोग कह रहे थे कि आपका जो पुराना किचन नया किचन मतलब इस मतलब किचन के चक्कर में पूरा दिमाग जो है ना वो हौच पौच हो रहा था। तो वही मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है किचन इधर हो या उधर हो, रूटीन तो वैसे ही है। बस ये है कि हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ गैस करी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, कि किसी ने तो समझा मुझे। तो मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे समझा कैसे नहीं समझा, पर हाँ ये बात तो सच है कि मैं उस वाली किचन में ना पता नहीं क्यों बहुत खुश, मतलब किचन और घर जो भी है मेरा एक रूम था किचन थी उस पर मैं बहुत खुश रहती थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मैंने ये वाला घर बनाया और यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी रहते हैं, रहते तो दोनों जगह हैं, आप लोग तो खुद देखते हो दिन भर मतलब होता रहता है। बस ये कि गर्मी के टाइम पे बस हम वहाँ बहुत कम बहुत नाम मात्र के लिए ये जाते हैं समझ लीजिए। बाकी हम जो अपनी विंटर होती है और बारिश का टाइम होता है तब हम यहाँ मतलब उसी वाले रूम में रहते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि किस वजह से मेरा मैं खुश नहीं रहती या ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा आई हैं, तो कुछ परेशानियां दिक्कत हो गई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किचन में आके खुश नहीं हूँ या इस घर से खुश नहीं हूँ। आप लोग मतलब मेरे जो चेहरे पर टेंशन देखते हो हमेशा, शायद इसीलिए आपने कहा होगा और सोचा भी होगा बहुत से लोगों ने कि मैं खुश नहीं रहती। तो बात यही है बस, अभी है ना मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, खाली दिमाग। आप लोगों को पता है दिमाग बहुत ख़राब होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, काम करती रहती हूँ ना तो इतने सब दिमाग में सवाल और ये दुनिया भर की चीज़ें ना दिमाग पे आती नहीं है। तो जब से मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है तभी से, मैं सच बताऊं तो तभी से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने डिस्टर्ब। तो मैं इतना मेहनत करती थी ना तब नहीं रहती थी मुझे मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा दिन रात से मेहनत करती थी तो इतना परेशान नहीं रहती थी, अच्छा लगता था, काम करती थी रात में भी काम दिन में भी काम, बस काम ही काम रहता था। और मेरा जो काम है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था, हम दोनों ही लगे रहते थे हस्बैंड और मैं, तो आप लोग तो जानते ही हो। पर ये इस बीच बिल्कुल रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही, वो सॉरी मतलब उस महीने एक महीने पहले ही, और बस ये जो हादसा हुआ है ना तब से और अभी तक 8 महीने 9 महीने हो गए, पता नहीं कितने महीने हो गए गिनूंगी तो हाँ, तो मैंने काउंट कर लिया है ये 9वां महीना चल रहा है और पूरे तरीके से मैं बैठी हूँ। और दिन भर ना बिल्कुल ऐसी सुस्ती टाइप की रहती है, ऐसी थकान सी रहती है, जबकि है ना मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, दिन भर घर पे ही रहती हूँ। पहले इतना काम करती थी ना तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता था कि बहुत ज़्यादा इतनी थकान या मेहनत, जबकि मैं कितना काम कर लेती थी बाहर का भी घर का भी, सारा काम करना और संभालना हर चीज़ को। तब से ना पता नहीं अभी इतना ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं कर रही, उसके बाद भी ना दिन भर ना नींद भी आती है, नींद एकदम नींद टाइप में, जबकि मैं सोती भी नहीं थी दोपहर टाइम में। पर पता नहीं ऐसे क्या हुआ क्या नहीं। और फिर उसके बाद ना बस इसी कारण से है कि हाथ की वजह से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मैं परेशान नहीं हूँ कि इस घर से और उस घर से लेकर। तो प्लीज़ आप लोग
ऐसे कंपेयर मत कीजिए, ये घर भी मेरा ही है और वो घर भी मेरा ही है। बड़ी मेहनत से ये घर मैंने बनवाया है और वो वाला घर भी मुझे बड़ी मेहनत से मिला है। तो दोनों ही सूरतों में घर बहुत मेहनत से बना है और मिला है, क्योंकि ऐसे किसी ने दिया नहीं है खुशी से। तो कोई नहीं, अब जब अपने लोग अपने साथ हो ना, तो घर मायने नहीं रखता है कि घर होना या नहीं होना। पर ये भी है, ज़िंदगी काटने के लिए घर भी ज़रूरी है। तो बस ये है कि फैमिली साथ हो ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आज बन रहा है नमकीन। मेरे हस्बैंड पता नहीं आजकल क्या हो गया उनको, क्या नहीं, अभी हर चीज़ कहीं ये बना दो वो बना दो। और उनका खाना जो दाल चावल होता है ना, उसके साथ तो फेवरेट नमकीन चाहिए उनको। पहले ख़रीद के ले आती थी, कभी कभी बना भी लेती थी कोई कोई महीने, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है ना, तो मैं वही इनसे बोलती हूँ कि मैं नहीं बनाऊँगी। पर फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, अभी ये लेकर आएंगे बाहर से, ज़रा सा आएगा और इतना मतलब हेल्दी भी नहीं होता अच्छे से, तो मैंने सोचा घर पे ही बना देती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें रखी थी, ज़्यादा चीज़ें मुझे लानी नहीं पड़ी। ये जो साबूदाना है ना, ये बड़ा वाला साबूदाना बोलते हैं, और मूँगफली लेके आई हूँ बस। बाकी और चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, तो वो चीज़ें ऐड करके और बस मैंने थोड़ा सा नमकीन जो है ना वो बना दे रही हूँ। यहाँ मैंने एक पाव मूँगफली लाई थी, तो उसमें से मैंने आधी से ज़्यादा ले ली है, थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि फिर वही दिखेगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना साबूदाने को अच्छे से यहाँ पर तेल में फ्राई कर लिया, और ये काफ़ी फूल कर ना बड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ ये वाला मिलता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसको यही बोलते हैं, मतलब बड़ा वाला साबूदाना, ऐसे इसी नाम से बोलते हैं। बाकी और आप लोगों क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप लोग ज़रूर बताइए क्या बोलते हैं। तो साबूदाना सीख गई थी, मूँगफली भी सीख गई है, और रोस्ट कर ली अच्छे से। और इसके बाद ये जो चिप्स हैं, फ्राइड चिप्स जो भी कहने, पतले वाले लच्छों में, ये इसमें ना अच्छे से इसको भी फ्राई कर ले रही हूँ। और ये होता है कि नमकीन में ना घर पे जब बनाओ तो इसमें तेल ज़्यादा लगता है, सच में तेल जो है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो साबूदाना हो गई और भी चीज़ें जैसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं तलने में, तो उनमें ज़्यादा तेल जो है जाता है। और ऐसा भी होता है कि घर पे बनाई हुई चीज़ काफ़ी अच्छी भी होती है, हेल्दी भी, और हम अपने हाथों से बनाते हैं घर पे भी। तो बाहर का भी थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेते हैं, पर जब ज़्यादा बनाना हो क्वांटिटी में ना, तब हम घर पे ही बना लेते हैं। तो बस बहुत ही नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने मूँगफली के वो दाने, साबूदाना के बड़े वाले दाने, और ये आलू के लच्छे, हाँ आलू के लच्छे, इनको भी मैंने सीख लिया। और यहाँ पर ये देखिए, तो ये थोड़ा सा पोहा रखा था, ये जो पोहा नाश्ते में खाने वाला पोहा, वैसे जो नमकीन वाला पोहा होता है ना, एक पेपर पोहा आता है एकदम पतला वाला पोहा, वो अलग ही होता है नमकीन वाला। तो पर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा थोड़ा सा ही तो बनाना है। और उसके ना बड़े बड़े पैकेट आते हैं, जैसे मक्का पोहा हो गया, पेपर पोहा हो गया, अगर इनको ले ना तो खुले में नहीं मिलता है, थोड़ा जैसे अपन को थोड़ा सा चाहिए हो तो वैसे नहीं मिलता है, पूरा बड़ा बड़ा पैकेट मिलता है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, मैंने अभी सोचा थोड़ा सा ही, थोड़ी थोड़ी चीज़ पड़ी है उसी से मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ ये वाला पोहा जो है ना, मैंने अच्छे से इसको सेक लिया है तेल में, ऐसा तेल डाल के, और इसके बाद इसमें मैंने लाई भी जो है ना वो सेक रही है, एक लाई एक पैकेट, ये भी थोड़ी अच्छी कुरकुरी सी जो है ना लगती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है।
इतना सिंपल बना रही हूँ ना मैं, ये है ना खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है और अच्छा लगता है। कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, हम कम चीज़ों के साथ भी कोई चीज़ बना सकते हैं स्वादिष्ट, टेस्टी और बहुत ही अच्छा। तो अगर बोला जाए ना तो ये जो है ना नमकीन वमकीन बनाने की जो तैयारी ये चल रही है बढ़िया होली की, तो मैंने सोचा चलो होली के अवसर पर मतलब ये चीज़ें बना ली जाएँ कुछ कुछ चीज़ें। तो अभी मैंने नमकीन से स्टार्ट कर दिया है और यहाँ देखिए कितना सारा बन गया, काफ़ी सारा। एक ये बड़ा वाला जो तसला है ना उसमें आधा करके बना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ बढ़िया से, और अच्छे से मिल जाएगा। देखिए साबूदाना डाला है ना तो कितना अच्छा दिख रहा है ये। और अभी शाम का टाइम भी हो गया था जी, ये जो मैंने बनाना स्टार्ट किया था नमकीन शाम के टाइम से स्टार्ट किया था। तो बस नमकीन बन के रेडी हो गया है और इसको मैं ना थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद किसी डब्बे में भर के और रख दूँगी। और यहाँ पर बन गई हमारी शाम की चाय। तो इवनिंग का ही टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो चाय भी बना लेते हैं। फटाफट से नमकीन बनाने के बाद किचन साफ़ किया, फिर चाय बनाई और चाय के साथ थोड़ा सा मैं नमकीन लूँगी, थोड़ा सा टेस्ट करूँगी कि कैसा बना है। और आप लोग भी बताइएगा कि मेरा नमकीन कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।